हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूप चौदस की। रूप यानी सौंदर्य और चौदस यानी चौदवा दिन, जिस दिन महिलाएं हैं वो सजती संवरती है। पहले के टाइम पे महिलाएं और लेडीज़ जो गर्ल्स थी वो संवरती थी, लेकिन आजकल जेंट्स है, मेल है, जो पुरुष है वो भी संवरने की कोशिश करते हैं। टेंशन मत कीजिए, मैंने कोई कोशिश नहीं की संवरने की। फ्रेंड्स, तो क्या होता है सजने संवरने के लिए, वो अलग अलग टाइप के पाउडर लगाते हैं और क्रीम लगाते हैं कि उनकी सुंदर पुरुष से शादी होगी, या पुरुष सोचते हैं हमारी सुंदर महिला से शादी होगी, लड़की से शादी होगी। ये चक्कर में वो रूप चौदस में सजते संवरते और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं मुंह पे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल क्या गड़बड़ हो रही है कि जो हम जो सजने संवरने के लिए जो क्रीम लगा रहे हैं, क्रीम जैसे मान लिया मैंने कहा फेयर एंड लवली 25 ग्राम की जो क्रीम है उसका प्राइस है 40 रुपये। तो आप सोचो, 1 किलो क्रीम है वो आती 1600 रुपये की। 1600 रुपये किलो के हिसाब से क्रीम आ गई, और 1600 रुपये की क्रीम है वो मुंह पे लगा रहे हो, इससे बढ़िया 4 किलो बादाम ना खरीद के खा ले। अलावा जो हमारे जो डाइटियंस और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसमें क्रीम और जो पाउडर है उसका कोई रोल नहीं होता। पाउडर है वो स्किन पे लेयरिंग का काम करता है, ऊपर एक वाइट परत लगा देता है, बाकी हमारी स्किन है वो गोरी नहीं होती है। उल्टा पाउडर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स, फॉर्मेल्डिहाइड नाम का केमिकल होता है, जिस कारण से हमारी स्किन पे कैंसर का खतरा हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है और छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण से हमारी स्किन है वो डल हो जाती है। इसलिए रेगुलरली हमें पाउडर का यूज़ नहीं करना है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, उनके एक व्यक्ति ने दावा किया कि उनके जो क्रीम में, उनके जो पाउडर है उसमें एक केमिकल था जिस कारण से उनको कैंसर हो गया, और दावा ये सही पाया गया तो अब उनको लाखों करोड़ों रुपए उस आदमी को देने पड़ेंगे क्योंकि उसको कैंसर हो गया। और नो डाउट वो उनके रिसर्च करने के बाद जो रिसर्चर थे उनको भी इंफॉर्मेशन इस बारे में मिली। तो कुल क्रीम और पाउडर इनका कोई रोल नहीं है। साइंटिस्ट बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि एक मेलानिन नाम का सब्सटेंस होता है हमारी स्किन के अंदर, जो अगर ज़्यादा होता है तो हम काले हो जाते हैं, और कम होता है तो हमारी स्किन वाइट हो जाती है, और मीडियम होता है तो हमारी स्किन है वो सांवली हो जाती है। तो कुल मिला के यही अंतर है, और हम जो भारतीय है वो सांवले प्रवृत्ति के, क्योंकि सांवला मेलानिन है वो मीडियम है, ना ज़्यादा है ना कम है। अगर सच में ये गोरा हो जाता तो फिर अफ्रीका वाले इतने काले क्यों हैं। और नो डाउट एक भैंस है, एक बंदा बता रहा था कि भैंस को 2 महीने उसने फेयर लवली लगाई लेकिन वो अभी भी काली की काली है, क्योंकि उसमें ऐसे जीन है। ये सब जीन्स के बदौलत हो रहा है, आपके मेलानिन के बदौलत हो रहा है, और हमारी कैसी डाइट है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर हम व्यवस्थित अच्छा खा रहे हैं तो हमारी डाइट में हमारी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, और हमारा हम सही नहीं खा रहे, व्यवस्थित नहीं खा रहे तो स्किन है वो धब्बे वाली हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, और पाउडर से तो और ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा। मिशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।